जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। अनंतनाग में ये घटना घटी। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकवादियों की कायराना हरकत कल शाम की बताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की यह घटना, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है अनंतनाग से, जहां एक बिहार के रहने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। पेशे से मजदूर बताया जा रहा है ये शख्स। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग से जुड़ी यह खबर, बिजबेहरा में बिहार के मजदूर की हत्या कर दी गई है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकवादियों की कायराना हरकत कल शाम की है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। वक्त वक्त पे जम्मू कश्मीर से टारगेट किलिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। हालांकि पहले से ये मामले थोड़े कम हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से रुके नहीं है। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बिहार के मजदूर की यहां पर टारगेट किलिंग का यह मामला है, जिसे निशाने पर उसे लिया गया। मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया गया। अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई मजदूर को बचाया जा सके, लेकिन अस्पताल में दम तोड़ दिया मजदूर ने, बचाया नहीं जा सका, मजदूर की मौत हो गई। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन घाटी में इस वक्त जारी। अनंतनाग की यह खबर है। निशाने पर गैर कश्मीरी मूल रूप से बिहार का निवासी था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। अनंतनाग के बिजबेहरा में मजदूर को निशाना बनाया गया। घात लगाकर आतंकवादियों ने मजदूर पर हमला कर दिया और राजा की गर्दन और पेट में दो गोली मारी गई है। अस्पताल ले जाया गया इस घायल मजदूर को, लेकिन इसने दम तोड़ दिया, इसे बचाया नहीं जा सका। इस साल तीसरी बार गैर कश्मीरी पर हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर से घाटी से यह खबर। इस वक्त 8 अप्रैल को दक्षिणी शोपिया में निशाना बनाया गया था एक गैर कश्मीरी को। टैक्सी ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मारी गई थी उस वक्त, और 7 फरवरी को श्रीनगर के हब्बा कदल में हमला किया गया था। मजदूर अमृतपाल सिंह और रोहित माशी की हत्या की गई थी। और तीसरी घटना यह अनंतनाग से बिजबेहरा से सामने आ रही है, जहां मजदूर को निशाना बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर में फिर एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने अनंतनाग में बिहार के रहने वाले एक शख्स की हत्या कर दी है। लोकसभा चुनाव की वजह से घाटी में सुरक्षा काफी कड़ी है, इसके बावजूद आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों ने घटना की निंदा की है। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। कब तक गैर कश्मीरी बनेंगे निशाना? एक बार फिर आतंकवादियों ने एक गैर कश्मीरी को अपनी बंदूक का निशाना बनाया। बुधवार को आतंकियों ने राजा शाह नाम के शख्स की हत्या कर दी, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में मजदूरी का काम करता था। बिजबेहरा उधमपुर शहर से महज 3 घंटे की दूरी पर है, जहां कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है, जबकि अनंतनाग में 7 मई को मतदान होना है। बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने पास जाकर राजा शाह की गर्दन और पेट में दो गोलियां मारी। गोलियों की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। राजा शाह को फौरन स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक आतंकियों का पता नहीं चल पाया है। आतंकियों ने इस साल तीसरी बार गैर कश्मीरी पर हमला किया है। इससे पहले 8 अप्रैल को दक्षिणी शोपिया में गैर कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। वहीं 7 फरवरी को श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में मजदूर अमृतपाल सिंह और रोहित माशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खास तौर पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहां तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी निशाना बनाया है, जिन्हें वो भारत का करीबी मानते हैं। बुधवार को फिर एक गैर कश्मीरी की जान ले ली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना की निंदा की। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया, मैं बिहार के निवासी राजा शाह को निशाना बनाकर अनंतनाग के बिजबेहरा में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इस कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए निर्दोष नागरिक के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में हमें पुलिस और सुरक्षा बलों की वीरता पर पूरा भरोसा है, और मैं लोगों को आश्वासन देता हूं
कि इस बर्बर काम के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। राज्यपाल के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि कब तक गैर कश्मीरी लोग घाटी में आतंकियों का शिकार बनते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अपडेट के साथ श्रीनगर से जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। खालिद, इस खबर से संबंधित क्या अपडेट आपके पास है? देखिए बिल्कुल, ये घटना जो है कल देर रात की है, जब ये बिजबारा के जिबलीपुरा इलाके में ये घटना अंजाम दी गई, जहां एक प्रवासी मजदूर राजू शाह, जिसकी पहचान हुई है, वो अपने जो है किराए के घर के बाहर था और उसको घात लगाकर हमला किया गया। गोली इतनी नज़दीक से मारी गई थी कि अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते ब्लड लॉस की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसके बाद से पूरे इस इलाके में घेराबंदी कर ली गई, रात के करीबन 2 बजे तक जो है सर्च ऑपरेशंस चलते रहे और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे उन पर नाके अब भी लगे हुए हैं, लेकिन अब तक जो है हमलावरों की जो तलाश है वो जारी है। कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है या फिर किसी को एनकाउंटर में मारा नहीं गया है, लेकिन जो मिलिटेंट्स है वो निस्संदेह ही भागने में सफल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और बहुत जल्द उन तक पहुंचा जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो टारगेट किलिंग का मामला है ये पिछले 10 दिन में दूसरा है। इससे पहले शुपियन में भी ऐसा ही एक हमला देखने को मिला था और ये सब घटनाएँ तब दक्षिणी कश्मीर में हो रही है जब आने वाले कुछ ही दिनों में वहाँ चुनाव है और इस वक्त चुनावी प्रचार जो है चरम पे है और इसलिए पूरा दक्षिणी कश्मीर प्रशासन को क्या खालिद कोई सुराग हाथ लगा है और क्या अभी इलाके को घेरा गया है? सर्च ऑपरेशन अभी जारी है अनंतनाग में। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है अब भी सील है, मोबाइल नाके लगा दिए गए हैं और आने जाने वाले दुपहिया वाहन, क्योंकि शक ये है कि जो मिलिटेंट्स थे जिनने ये फायर किया था वो दुपहिया वाहन पे थे, मोटरसाइकिल पे थे, उनकी ज़्यादा चेकिंग की जा रही है और ये भी कोशिश है कि जो आसपास के लोग हैं, जो आई विटनेस है वहाँ पर, उनके बयान लिए जा रहे हैं और उसका एक खाका बनाकर जो है मिलिटेंटों तक पहुँचा जाएगा। और आसपास तीसरी घटना है और साफ तौर पर मकसद ये है कि लोगों में दहशत पैदा किया जाए, खास करके जो गैर कश्मीरी है, कश्मीर में आकर के रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद आपका अपडेट के लिए। जी।